नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर कोई जिम करता है और सवेरे वो गर्म पानी का सेवन करता है एक गिलास, तो उसके बॉडी में क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों हमारे शरीर का तकरीबन 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। शरीर को स्वस्थ रखने, हाइड्रेट रखने और शरीर के सभी अंगों को सही तरीके से काम करवाने के लिए पानी का सेवन बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन पानी कैसा पीना चाहिए, ठंडा या फिर गर्म, इस बात को लेकर हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। दोस्तों ठंडा पानी पीने की तुलना में गर्म पानी पीने से हमारा पाचन बेहतर होता है, कब्ज की समस्या में भी आराम मिलता है और शरीर भी रिलैक्स हो जाता है। आयुर्वेद भी गर्म पानी पीने की सलाह देता है। ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी या फिर गुनगुना पानी पीना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। रोजाना रेगुलरली अगर आप गुनगुने पानी का सेवन करते हैं या फिर गर्म पानी का सेवन करते हैं तो इससे शरीर को और भी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन गर्म पानी पीते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी का तापमान 55 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। यानी कि चाय जितना गर्म पानी नहीं होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि आप आसानी से उसे पी पाए। वरना ज्यादा तापमान होने की वजह से मुंह, जीभ और गले के जलने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि अगर आप वर्कआउट करते हैं या फिर जिम करते हैं और रोजाना सवेरे गुनगुना या फिर गर्म पानी पीते हैं तो आपके बॉडी में आपको क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों गर्म पानी अगर आप रोजाना पीते हैं तो इससे आपका जो बंद नाक होता है वो खुल जाता है। गर्म पानी में भाप बनता है और जब आप इस पानी को पीते हैं तो वो भाप जो है सांस के जरिए आपके शरीर के अंदर चली जाती है और साइनोसिस वाला हिस्सा जो जाम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है वो ढीला हो जाता है और इससे आपका नाक जो है खुल जाता है और आपको सर्दी जुखाम नहीं होता है। गर्म पानी पीने से आपके शरीर में पाचन में काफी बढ़िया सा सुधार हो जाता है। जब हम पानी कम पीते हैं या फिर ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में छोटी आंत जो है वो उस पानी को ग्रहण कर लेती है और अवशोषित कर लेती है, जिससे शरीर में बॉडी में पानी नहीं बचता है और डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है और उसी के कारण कब्ज पैदा हो जाती है, बवासीर पैदा हो जाता है और पेट के फूलने की समस्या भी हो जाती है। लेकिन अगर आप सवेरे एक गिलास गुनगुना पानी पी के वर्कआउट करते हैं तो इससे ये समस्या नहीं होती है, साथ ही आपका पाचन काफी बढ़िया से हो जाता है और भोजन अच्छे से पच जाता है और उससे आप जो कोई भी न्यूट्रिशन खाते हैं वो आपके बॉडी को अच्छे से लग पाता है और शरीर में काफी बढ़िया सा निखार आ जाता है। गर्म पानी पीना दोस्तों वजन घटाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप वेट लूज करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो ये फायदा देता है। गर्म पानी का पीना आपके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ जो होते हैं बॉडी को डिटॉक्स करता है और जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देता है। शरीर को साफ करने के लिए काफी बढ़िया होता है। जब आप पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीते हैं तो इससे आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और एंडोक्राइन सिस्टम सक्रिय हो जाता है, पसीना निकलना शुरू हो जाता है और वो पसीना जो है शरीर से बीमारियां, विषाक्त पदार्थ अपने रोम छिद्रों से बाहर निकालना शुरू कर देता है। गर्म पानी का पीना रोजाना रक्त संचालन के लिए काफी बढ़िया होता है। हृदय रोग के जोखिम को आपके शरीर में कम कर देता है। गर्म पानी वैसोडिलेटर की तरह काम करता है, यानी कि रक्त कोशिकाओं को विस्तार देता है जिससे रक्त परिसंचरण में सुधार हो जाता है, मांसपेशियों में आराम होता है। तो रोजाना एक गिलास गर्म पानी पीते हैं तो आपके खून के लिए भी ये काफी बढ़िया होता है। गर्म पानी पीने से आपका जो तनाव जो होता है वो भी कम होता है, दिमाग पर स्ट्रेस को ये कम करता है। गर्म पानी का रोजाना सेवन करना आपको जवान बनाता है। अगर आप वर्कआउट करने से पहले या फिर नॉर्मल गर्म पानी पीते हैं तो ये शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, साथ ही बढ़ती उम्र के निशान को कम कर देता है, जैसे कि झुर्रियां, बारीक रेखाएं जो होती है दूर हो जाती है और आपकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। बढ़िया से नींद आनी भी गर्म पानी का सेवन करने से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आप ध्यान दें कि ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, आप सवेरे उठें और हल्का गुनगुना पानी पिए, इससे आपकी बॉडी पूरी साफ हो जाएगी और पूरा दिन जो आप वर्कआउट करेंगे उसके काफी बढ़िया से फायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।